वेलकम दोस्तों, आज हम इस वीडियो में करेंगे कि कैसे एक प्लेन टेक्स्ट को जावा में प्रिंट किया जाता है थ्रू जावा कोड्स, और साथ ही साथ हम सीखेंगे कि कैसे एक जावा क्लास को बनाया जाता है। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे एक जावा प्रोजेक्ट बनाया जाता है, तो चलिए अब हम सीखते हैं जावा क्लास कैसे बनाते हैं और किसी प्लेन टेक्स्ट को प्रिंट कैसे करते हैं जावा में। तो देखिए, ये हमारा प्रोजेक्ट है जिसका नाम है XYZ। अब हमने इधर XYZ प्रोजेक्ट को हाईलाइट करना है, उसके बाद हमने इधर राइट क्लिक करना है। अब देखिए, राइट क्लिक करने के बाद लिस्ट आई है, उसमें सबसे पहली ऑप्शन है न्यू की ऑप्शन। अब न्यू पे जाके हमने देखिए यहाँ पे जावा क्लास की ऑप्शन है, इसको हमने दबा देना है। अब न्यू क्लास में देखिए क्लास का नाम पूछ रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट न्यू क्लास ही है, लेकिन आप कोई भी नाम दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बाई डिफ़ॉल्ट वाला नाम ही चुनूँगा और फिनिश कर दूँगा। यहाँ मैंने फिनिश कर दिया है, अभी थोड़ा टाइम लेगा। तो दोस्तों, ये लीजिए हमारी न्यू क्लास जनरेट हो गई है। तो गाइस, मैं आपको सबसे पहले कोडिंग से पहले ये बताना चाहता हूँ कि जावा जो है वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, जिसका मतलब है जिसमें कैपिटल अल्फ़ाबेट का मीनिंग अलग होगा और स्मॉल अल्फ़ाबेट का मीनिंग भी अलग होगा। आपको पता ही होगा कि कोई भी कोड जो है वो बाइनरी लैंग्वेज में कंप्यूटर समझता है, उसको इंटरप्रिटेट करता है। अगर मान लीजिए कैपिटल ए है तो उसकी बाइनरी लैंग्वेज में डेफिनेशन अलग होगी, स्मॉल ए जो है उसकी बाइनरी लैंग्वेज में मीनिंग कुछ और होएगा। तो केस सेंसिटिव है, आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि कौन सी जगह पे कैपिटल अल्फ़ाबेट यूज़ करना है, कहाँ पे स्मॉल अल्फ़ाबेट। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमने इस इंटरफेस में देखिए पब्लिक क्लास न्यू क्लास है, इसके बाद कर्ली ब्रेसिस ओपन है, हमने उसके बाद ही लिखना शुरू करना है। हम दबाएंगे एंटर। चलिए शुरू करते हैं। तो आपने लाइन लिखनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, जो कि पब्लिक PUBLIC, ये सारे स्मॉल करेक्टर्स में आएंगे। पब्लिक स्टैटिक STATIC void void और मेन MAIN। अब इसके बाद हमने खोल लेना है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स खोलने के बाद हमने लिखना है स्ट्रिंग, जिसमें S कैपिटल होगा, कैपिटल STRING, बाकी चीज़ें स्मॉल ही होंगी, और स्क्वायर ब्रैकेट्स भी ओपन करने और क्लोज करने हैं। ARGS। अब देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, एरर का कुछ नहीं है। अब देखिए कर्ली ब्रेसिस ओपन और क्लोज हैं। अब यहाँ पे आपने कोर कर्ली ब्रेस ओपन कर लेना है और एंटर दबा देना है। देखिए, मैंने यहाँ पे एक ब्रैकेट बंद नहीं किया था, आपको ब्रैकेट जब खोलना है तो उसको बंद भी करना है, फिर ही आपका एरर शो नहीं होगा। अब जो मेन लाइन जो प्रिंट करने वाली कमांड है वो हम पब्लिक स्टैटिक वाली लाइन के बाद ही शुरू करेंगे। तो चलिए लिखते हैं सिस्टम, कैपिटल S के साथ शुरू होगा, SYSTEM System.out.print.println, ये लाइन है। इसके बाद हमने ब्रैकेट ओपन करने हैं। अब देखिए, ब्रैकेट ओपन करने के बाद कोई भी हमको जो वर्ड है उसको अगर हमने प्रिंट कराना है तो हमको कोटेशन मार्क्स ओपन करने होंगे, और कोई भी वर्ड को कोटेशन मार्क्स के अंदर ही लिखना होगा, फिर ही वो S2S सेम टू सेम प्लेन टेक्स्ट प्रिंट करेगा। हमने कोटेशन मार्क ओपन किया और इधर हम लिखेंगे हेलो वर्ल्ड, HELLO WORLD। हेलो वर्ल्ड। देखिए, अभी भी ये एरर शो कर रहा है, यहाँ पे देखिए एरर शो कर रहा है। और मैं आपको एक मेन बात बताना चाहता हूँ, कोई भी जावा में लाइन लिखोगे अगर आप, चाहे वो सिस्टम प्रिंट करने की लाइन होगी या कोई कोडिंग जैसे टेक्स्ट फील्ड की कोडिंग होगी या रेडियो बटन की कोडिंग, कोई भी लाइन है, उसको बंद करने के लिए हमेशा एक सेमी कॉलम लगाना होता है। ये देखिए, मैंने सेमी कॉलम लगाया, आप यहाँ पे देख सकते हैं सेमी कॉलम, ये रहा, और देखिए एरर ख़त्म हो गया है। तो गाइस, अब मैं इसको रन करूँगा और देखिए रन करने के बाद क्या आता है। हमने इसी इंटरफेस में राइट क्लिक करना है, देखिए एक फॉर्मेट एक लिस्ट खुल गई है जिसमें ढेर सारी ऑप्शन है। अब इसमें हमने रन फाइल, देखिए रन फाइल की ऑप्शन है। अब रन फाइल में देखिए Shift+F6 से भी हो जाएगा,
आपको राइट क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ शिफ्ट प्लस F6 दबाइए, एक खुद रन हो जाएगा। अब चलिए रन करते हैं, मैं इसको दबाता हूँ, मैंने दबाया, अब ये रन हो रहा है, ये देखिए यहाँ पे रन हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए रन करना बहुत इम्पोर्टेंट है, देखिए रन हो गया है, ये देखिए यहाँ पे हेलो वर्ल्ड हमारा जो है प्रिंट हो चुका है आउटपुट, और बिल्ड सक्सेसफुल। सो गाइस, इसी के साथ आपका जो प्रिंट कमांड है मैंने आपको सिखा दिया है, और कोई भी प्लेन टेक्स्ट अगर आपने प्रिंट कराना है तो इसी तरीके से होगा। मान लीजिए मैंने कुछ और यहाँ पे लिखना है, जैसे मान लीजिए मैं लिख देता हूँ XYZ, जैसे मान लेते मैं XYZ ही लिख देता हूँ, XYZ। तो यहाँ पे हम करेंगे रन फाइल, देखिए XYZ आ गया है। तो गाइस, इसी के साथ आपका पहला ट्यूटोरियल ख़त्म होता है, जो कि प्रिंट ट्यूटोरियल था। अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्लस माइनस एडिशन सब्सट्रैक्शन करने करते हैं इसमें, साथ ही साथ वेरिएबल्स डिक्लेयर करना भी सिखाऊंगा। तो गाइस, मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके गाइस, थैंक यू गाइस, बाय।